हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम किसान आंदोलन तथा किसान आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता के बारे में जानते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला है, सबसे पहले सन्यासी विद्रोह जो 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था। 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था सन्यासी विद्रोह। बंगाल में भीषण अकाल ने इस प्रांत को अराजकता और कष्टों से ग्रस्त कर दिया। दूसरी ओर तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध ने सन्यासी इतना क्षुब्ध कर दिया, सन्यासियों को इतना क्षुब्ध कर दिया कि वे विद्रोह पर उतर आए। इनका नेतृत्व दिज नारायण एवं केना सरकार ने किया था। इन सन्यासियों ने अधिकांश इन सन्यासियों में अधिकांश शंकराचार्य के अनुयायी थे और सशस्त्र सन्यासी थे। इन्होंने जनता के साथ मिलकर अंग्रेजों पर धावा बोला और खजाने को कंपनी की कोठियों पर आक्रमण किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने लंबे सैन्य के बाद विद्रोह को कुचलने में सफलता पाई। वॉरेन हेस्टिंग्स जो उस समय का गवर्नर था उसने सैन्य विद्रोह कर इस आंदोलन को कुचलने में सफल हासिल किया और सन्यासी विद्रोह को बंकिमचंद चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसका वर्णन किया है, सन्यासी विद्रोह का। उसके बाद हम देखते हैं किसान आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता कौन कौन थे। तो किसान आंदोलन से प्रमुख नेता जो जुड़े हुए थे उसमें से सबसे पहला थे वासुदेव फड़के, जो 1879 का आंदोलन से इन्होंने जुड़े हुए थे। दूसरा में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, जो 1907 में पंजाब में किसान आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह उस आंदोलन से जुड़े हुए थे। उसके बाद महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ला, चंपारण आंदोलन से इन्होंने सारे जो महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ला, चंपारण आंदोलन, नील आंदोलन से जुड़ा हुआ था जिसे तीनकठिया आंदोलन भी कहते हैं, इस किसान आंदोलन से इन्होंने जुड़े हुए थे जो चंपारण बिहार में हुआ था। 1917 में यह आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। रामचंद्र शुक्ला के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण गए और इस आंदोलन को अपने हाथों में लेकर बड़ा ही आंदोलन अच्छे तरह से आंदोलन में कामयाबी हासिल की महात्मा गांधी। और तीनकठिया आंदोलन था, नील आंदोलन, उससे वो अंग्रेजों से तीनकठिया आंदोलन के नेतृत्व में पीछे नहीं हटे। उसके बाद है गांधी मोहनलाल पांड्या, खेड़ा आंदोलन से। खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी भी जुड़े हुए थे और मोहनलाल पांड्या, जो 1918 ईस्वी में हुआ था। विजय सिंह पथिक, मणिक लाल वर्मा, राम नारायण, बाबा सीताराम दास, हरिभाव उपाध्याय जो मेवाड़ के थे, मोतीलाल तेजावत भील में, जय नारायण माड़वार, ये सभी जितने भी थे सारे के सारे किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। स्वामी विट्ठानंद
दरभंगा बिहार से जो 1919 और 1920 के बीच में आंदोलन हुआ था उससे जुड़े हुए थे, दरभंगा बिहार में आंदोलन जो हुआ था। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र दास, इंद्र नारायण द्विवेदी, अवध 1921 में, अवध में किसान आंदोलन हुआ था 1921-23 के बीच, उससे जुड़े हुए थे जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र दास। आगे है मदारी पासी। मदारी पासी एकता आंदोलन से जुड़े हुए थे जो 1922 में हुआ था, एकता आंदोलन। अलूरी सीताराम राजू जो रामपा आंदोलन से जुड़े हुए थे आंध्र प्रदेश में, रामपा आंदोलन आंध्र प्रदेश में 1922 से 24 के बीच में हुआ था, उसमें खास करके अलूरी सीताराम राजू इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। उसके बाद एजी रंगा, पी सुंदरया, एजी रंगा और पी सुंदरया ये भी आंध्र प्रदेश में, आंध्र में आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, उसमें इन्होंने इसका नेतृत्व किया था एजी रंगा और उनके साथ भी थे पी सुंदरया। उसके बाद बल्लभ भाई पटेल, कुंवर जी मेहता, कल्याण जी मेहता जो बारदोली आंदोलन से जुड़े हुए थे, 1927-28 में हुआ था बारदोली आंदोलन और वहाँ के आंदोलन में का नेतृत्व बल्लभ पटेल किए थे, इसलिए वहाँ के वहाँ उन्होंने उस आंदोलन के बाद उनको सरदार की भी उपाधि मिली थी बल्लभ भाई पटेल का। के बाद सोहन सिंह भाखना, पंजाब किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, यह आंदोलन 1937-39 के बीच में हुआ था। के बाद सहजानंद, राहुल संकीर्तियान, कृपानंद शर्मा, बिहार आंदोलन, बिहार किसान आंदोलन से जुड़े थे 1937-1939 के बीच में यह आंदोलन हुआ था। रवि नारायण रेड्डी, तेलंगाना में किसान आंदोलन से 1946-51 के बीच में जो हुआ था उस आंदोलन से रवि नारायण रेड्डी जुड़े हुए थे। भवानी सेन, सुनील सेन, मोनी सिंह तेभागा जो 1946 में किसान आंदोलन हुआ था इस आंदोलन से इन्होंने जुड़े हुए थे और यह आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया भवानी सेन, सुनील सेन, मोनी सिंह तेभागा। तो इस प्रकार हम देखें कि किसान आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता को कौन कौन थे उनके बारे में हम लोग जाना। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।